ਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਅਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਈ 1 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੂਲੀ 1 ਕਿਲੋ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੋਭੀ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਏ ਆਪਾਂ 5-7 ਤੇਜ ਪੱਤੇ चौथाई कप लिया आप जीरा एक चमच लिया आप काली मिर्च का अद्धा क चमच लिया आप दालचीनी का तो यह थोड़ी जी आप अद्धा क चमच लिया मगा का यह आप 10-12 मोटिया इलाचियां ठीक है जी तो यह आप एक कटोरी ली है सौंफ की ठीक है जी यह ली आप चौथाई कप कलवंजी का तो यह आप चौथाई कप लिया राई ठीक है जी यह आप लिया नमक हल्दी यह तड़के वास्ते आप लिया अदरक तो लसन ठीक है जी तो यह आप पावे जी अद्धा किलो गुड़ लिया आप गुड़ पावे अचार च यह सिरका लिया ठीक है जी वाइट सिरका लिया ये आप पावे जी एक कप सिरके का तो आप अज बनावे जी खट्टा मिठा अचार ठीक है जी आप हम जी पहले पानी उतारता उबालने पानी उबल गया जी आप हम इसे पहले सब्जियां उबालेंगे आ देखो जी पानी गर्म हो गया पानी हाडा गड़क गया आप गड़कते पानी में अपन सब्जियां उबालेंगे जी पहले नंबर पर आप उबालेंगे मूली कट्टी हुई ये जी बहुत ही नहीं उबालनी इन्हों सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा उबालना कच्चा पक्का आ देखो जी मूली आप पाती है गर्म पानी से हूँ आप थोड़ा उबालना बहुत नहीं गालना आप थोड़ी थोड़ी उबाल के जो थोड़े थोड़े कच्चा पक्का बस इन रखना मूली ठीक है ना तो हूँ आप उबालेंगे जी पाँच क मिनट उबालेंगे आप हम थोड़ी जी पावे जी हल्दी थोड़ा जहा पावे आप नमक हूँ आप मिनट पका के फिर मैं तुम्हें दसदी हाँ जी यह देखो जी आप मूली के उबल तक उबल तो पहला आप मसाले की तैयारी करिए जी हूँ आप जी मसाले थोड़ा थोड़ा आप भुना ठीक है जी आप हम पाइए बच्चे पहला पहले नंबर पर आप सौंफ न भुना जी देखो जी आप सौंफ नूं हुण भुन्नांगे 2 मिनट क्योंकि भुन्ने हुए मसाले जिहड़े आ ना वधिया तरह विच इहनां दी मॉइस्चर निकल जाएगी नाले फिर अचार च वी वधिया इहनां दी टेस्ट आएगा देखो जी आप सौंफ भुन लई है जी हुण आप भुन्नांगे जी जीरा आ देखो जी आप जीरे नूं वी भुन लैणा इदां ही आ देखो आप इसे तरह ही आप जी सारे मसाले भुन लैणे आ तो फिर इन्हें भुन के फिर मैं तुम दस देखो जी मसाले अपने सारे भुजे गए हैं तो आप हूँ जी राई राई देना जो पावे ये मिक्स जार इन हूँ ग्राइंड करा हम मैं तुम ग्राइंड करके दस दी देखो जी आप राई कर लिए ग्राइंड ठीक है जी इन बहुता नहीं करना दरदरी करनी है जी आप हूँ जी करिए दूजे भी मसाले अपने ग्रैंड आ देखो जी आप कलवंजी तो सौंफ तो जीरा ग्रैंड कर लेना दरदरा जहा ग्रैंड करनी बहुत ही नहीं करनी प्लीज ना ही आप पा लेने खड़े मसाले सारे पा के आ देखो जी ना ही आप तेज पत्ता भी पा लेना दालचीनी मोटी इलाची पा लिया मिर्चा मगा आ देखो जी आप सारे मसाले कट्ठे करके इन्हों ग्राइंड कर लेना ग्राइंड करके फिर मैं तुम्हें दस दी आ देखो जी अपना मसाला दूजा भी हो गया अचार वाला आ दरदरा करना बहुत बरीक नहीं करना जी तो यह अपनी राई भी हो गई है दरदरी इन्हों मसाले हम आप रखिए एक साइड पर जी आप हम अपने उबली हुई मूली कटी है बिचों आ देखो जी इदा थाली रख लैनी है उपर आप
रख लिया छानना। ये अपना आ देखो अपनी मूली हो गई है, मूली ने बहुता नहीं पकाना, सब्जियां बिल्कुल अपना एन नॉर्मल रखनी है क्योंकि इदा जो बहुता गल गया फिर चार ठीक नहीं बनता। देखो जी आप मूली कढ ली है विचों पानी चो उबलते, हुण आप पावांगे जी गाजर। गाजर नूं भी इस तरह आप 5 मिनट पकावांगे ते पानी आप उबलदा ही रहन देना, घट फ्लेम नहीं करनी, फुल फ्लेम ते आप बनाना उबालने है। हुण आप इहनूं जी 5 मिनट उबालांगे, उस तों बाद मैं तुहानूं दसदी हाँ। आ देखो जी आप राई कढ के कौली च पा ली है, आप हुण पावांगे जी, हुण करिए तड़के दा समान तैयार। अदरक पा लैना जी, दो गंढियां अदरक दियां पानियां ते दो तीन गंढियां लसन दियां पानियां तड़के वास्ते चार नूं, ते चार जी आपां बिना धुप तों पावांगे, धुप च नहीं सुकाना, बिना तो बिना धुप तों आपां तुहानूं चार पा के दसांगे, सुकाउण दी कोई लोड़ ही नहीं, ठीक है जी। आपां हुण जी तड़के दा करके ते इहनां नूं मैं अदरक ते लसन नूं ग्राइंड करके फिर मैं तुहानूं दसदी हाँ। आ देखो जी आपां अपनी गाजर भी हो गई है अध कच्ची, आपां इहनूं बाहर कढ़ीए, इक्को थाई रख लैणे आ जी छानणे विच। आ देखो जी अपनी गाजर भी हो गई है, उबली गई है, आपां हुण पावांगे जी आ कट्टे होए आ गोभी, ते गोभी नूं जी आपां बहुता नहीं पकाना, गोभी नूं आपां अध कच्ची जी पकानी है, बहुता नहीं पकाना, इहनूं बस 5 मिनट आपां पकाना ते फिर बाहर कढ लैणा। देखो जी अपनी गोभी उबलदे उबलदे आपां पावांगे जी गुड़, ये जी अद्धा किलो गुड़ आ, ते आपां खट्टा मिठा चार बनाना आ, आपां बनावांगे चानी। ये जी आपां नाल ही विच सिरका पा देना, सिरका पा के हुण इहदी आपां चानी बनावांगे। देखो जी आपां गैस ला ली है, आपां हुण इहदी बनावांगे चानी, ठीक है जी, फिर चानी बना के मैं तुहानूं दसदी हाँ। यह देखो जी अपनी गोभी भी उबली गई है, आपां गोभी नूं भी बाहर कढ़ीए, देखो जी आपां गोभी भी बाहर कढ ली है, हुण आपां जी आपां तड़के की तैयारी करिए, ठीक है जी। कढ़ाई गर्म होण डई है, इधर चानी भी बन डई है सिरके की, आ वेखो गुड़ की, जदों गुड़ मेल्ट होए ना हुण थोड़ा देर रह गया, 5 मिनट बाद बन जानी है, ठीक है जी। आपां हुण करिए जी तड़के की तैयारी। आ देखो जी अपना गुड़ भी मेल्ट हो गया सिरके विच, ते आपां इहनूं भी करिए बंद, ते आपां हुण तड़के की तैयारी करिए जी। आप जी दो कड़छियां तेल दी पावांगे, देखो जी आप दो कड़छियां तेल दी पाई, आप हुण तेल नूं चंगी तरह साड़ांगे ते चंगी तरह गर्म करांगे, फिर उस तों पावांगे बाद च मैं अदरक ते लसन। जी अपना तेल चंगी तरह गर्म हो गया जी, ते आप हुण पावांगे जी थोड़ी जी हिंग, हिंग पाती है जी, आप हम पावे जी अदरक तो लसन का पेस्ट। देखो जी आप अदरक तो लसन भी चंगी तरह भुन लेना, तो कच्चा नहीं रखना, चंगी तरह भुनना, जी स्मैल ना आए बच्चे, एक आप कड़छी फेरते रहना, नॉन नहीं लगन देना कड़छी के नाल कढ़ाई के नाल, ठीक है जी। आप चंगी तरह भुन लीजिए, हाँ देखो जी अपना अदरक तो लसन चंगी तरह भुज गया जी, तो आप हम पाइए बिच सब्जियां। हाँ देखो जी आप सब्जियां पाइए बिच, एक मिनट आपां इदां ही रहन देना, भाप जिहड़ी थल्लों तड़के दी तां नूं जाए अचार नूं, तां वधिया तरह बनेगा। आपां हुण जी पावांगे अपना
राई राई पाती जी, इन्हू ग्रैंड किया हो चंगी तरह, दरदरी जी ग्रैंड करनी है राई। ठीक है जी, आप हम जी पावे अपना मसाले जेडे आप दरदरे किते ग्रैंड, बहुते मोटे बहुते बरीक नहीं करने, इदा दरदरे जे करने जी। ये जी तीन चो चार चमचे मसाले दे, चार ही चमचे आप राई दे पाए है। ठीक है जी, आप हूँ चार ही चमचे पावे देगी मिर्च दे, क्योंकि देगी मिर्च जी कौड़ी नहीं होंगी, ये रंग वाली मिर्च होंगी है, इन आप कलर देने वास्ते पावे। हूँ जी आप पावे चार चमचे हल्दी दे, अपा जी हम पावे चार पाँच चार तो पाँच चमचे पावे नमक दे। हूँ जी आप चंगी तरह सारे मसालों लावे बिच। ठीक है जी, फिर ला के फिर सिरके की पानी है, गुड़ की चाह नहीं पानी है बिच, सिरके तो गुड़ की। देखो आप सिरका तो गुड़ जो मेल्ट किया हो पावे बिच, तो अपना खट्टा मिठा चार तैयार करा। ये जी मैं ता पुनिया क्योंकि गुड़ में कई बार कंकर कुंकर होंगी है, तो बिच ना चार दे जाए। ठीक है जी, देखो जी अपना हूँ आप अपना मिक्स चार चंगी तरह रलावे जी मसाले चे, रला के तो फिर इन जी ठंडा करके तो फिर आप कंटेनर च पाना। ठीक है जी, आ देखो जी अपने सारे मसाले बिच रल गए, बहुत ही वधिया तरीके ना बनया चार, तो चार की स्मैल भी बहुत सोहनी आ रही है। ये जी मसालों पर डिपेंड करता, जिन्ने वधिया तुसी मसाले पाओगे ना उन्ना वधिया तुहाडा अचार बनेगा। ठीक है जी, ऐ देखो जी अपना मिक्स वेज अचार बन के पंजाबी स्टाइल से तैयार हो गया जी, सब्जियों का अचार बन के तैयार हो गया। तो देखो जी इस तरह ही बनाना जिस तरह मैं बनाया, तुहाडे नाल शेयर किया, तुसी भी इस तरह ही बनाना तो बना के खाओ। तो जे तुहानू मेरा अचार बहुत वधिया लगा तो मेरी वीडियो में जी लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल नाल ही सबसक्राइब करो जी। ये बहुत सौखी रैसपी है, सब तो बेस्ट अचार आ खट्टा मिठा अचार। ठीक है जी, बनाए तो खाओ, इंजॉय करो, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो जी। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नवी वीडियो नाल नवी रैसपी नाल। सत श्री अकाल जी।